लगातार पंजाब में आम लोग हनी ट्रैप और मोबाइल हैकर्स व ब्लैकमेलरों के ट्रैप में फंसकर लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो चुके हैं और कई लोग तो इसमें फंसकर परेशान होकर आत्महत्या कर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जिला फिरोजपुर के कस्बा मुदकी से सामने आया है, जहां के रहने वाले 42 वर्षीय प्रभजीत सिंह भी हनी ट्रैप में फंसकर जिसको मोबाइल हैकरों द्वारा ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपए हेर चुके थे, उसके पास से और पैसों की मांग कर रहे थे। जब उसके पास उनको देने के लिए और पैसे नहीं थे तो उसको मजबूरन अपने ही घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मौत के बाद से पारिवारिक सदस्यों को उसके घर से मिले एक सुसाइड नोट से सारी घटना के बारे में पता चल गया। प्रभजीत सिंह कुछ मोबाइल हैकरों के जाल में फंस गया था और उसके द्वारा ब्लैकमेल करने से परेशान होने के बाद उसने आत्महत्या की है। परिवार द्वारा उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित परिवार ने आज प्रेस वार्ता कर ये मांग की है कि प्रभजीत को आत्महत्या करने के लिए परेशान करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बनती सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मगर पुलिस पारिवारिक सदस्यों को आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मगर परिवार का कहना है कि अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ बनती कार्रवाई ना की गई तो आरोपी किसी और को अपने जाल में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक प्रभजीत सिंह के 2 बच्चे हैं और प्रभजीत सिंह एक गैस सिलेंडर एजेंसी में मैनेजर की नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, मगर उसके फ़ोन पर आए एक फ़ोन के बाद प्रभजीत सिंह मोबाइल हैकरों के जाल में फंसता चला गया और सब कुछ गंवाने के बाद मजबूरन उसे आत्महत्या करनी पड़ी। अब उसकी पत्नी अपने पति की मौत के बाद आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मेरे पति एक बहुत ही चंगे पिता सी, वो वधिया आपदा रुजगार आपदा चला के आपदे बच्चों की परवरिश कर रहे सी, पर सानू किसी ने करके भी खान नहीं दिता, कमा के भी खान नहीं दिता सानू। उन्होंने सानू तो उन्होंने सुसाइड नोट तो पता लग्या भी उन्होंने कोई बहुत परेशान कर रहा सी, प्रेशर पाया जा रहा सी उन्होंने, जिन्होंने इतों वो कहिंदे सी कि उन्होंने ब्लैकमेल करते सी कि तुहाडी फैमिली फोटो ने असी एडिट करके गलत तरीके नाल वायरल करांगे, तुहानू बदनाम करांगे, तुहाडे कॉन्टैक्ट्स च पा दांगे। वो बहुत शरीफ इंसान सी, उन्होंने कदे तुसी पुछ सकदे हो पता कर सकदे हो, साडे आंढ गवांढ भी जाके हर कोई उन्होंने तारीफ करदा नहीं थकदा, उन्होंने कदे किसी नूं उच्ची आवाज़ चगो जवाब तक नहीं सी दित्ता। वो आपदी परमानसी दे विच ही बस उन्होंने किसी नूं किसी नाल कोई गल नहीं कदे शेयर की, किसी मेरे कोल भी नहीं शो होण दित्ता कि वो इन्ने ज़्यादा परेशान ने। मेरे पुछण दे बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी परेशानी वाली। देखो जी, घर में बहुत खुश सी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं सी, उन्हें सानू चेहरे तो भी शो नहीं होण दित्ता। जेडे उन्हें गलत हैंकर खराब करते ना, उन्होंने हथों ही उन्हें जो किया है, सानू कुछ गल का नहीं पता, सानू तो सुसाइड नोट्स तो पता लगा ना, उन्हें चेहरे तो कुछ पता लगता सीगा भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम हैगी आ, इन्ना ज़्यादा दुखी आ तो सानू सुसाइड नोट्स तो पता लगा भी उन्होंने उन्होंने मजबूर किया, तो उन्हें स्टैप चक्या। बच्चे बहुत छोटे आ, उन्होंने फड़िया जाए, किसी होर भैन का भरा ना मरे, तो बच्चों इंसाफ दिता जाए, उन्हों की पढ़ाई रुजगार बारे कुछ सोचा जाए। कमाण वाला सिर्फ कला सी, कोई साधन नहीं कमाई देना। पीड़ित परिवार द्वारा इंसाफ की मांग को लेकर की गई प्रेस वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में ज़रूर आई है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं, जिसके कारण पत्रकारों के कैमरे के आगे कुछ बोलने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। फिरोजपुर से परमजीत सिखाना की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।